फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी पटैटो चीज़ रोल रेसिपी। यह बहुत ही सिंपल एंड इजी रेसिपी है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसको आपके बच्चे कहेंगे कि बार बार इसे ही बनाएं। यह बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी होती है, बच्चों और बड़े सबको बहुत ही पसंद आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। चीज़ रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ पनीर, 2 से 3 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा अदरक जिसको मैंने बारीक कट कर लिया, और 1 शिमला मिर्ची इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। यहाँ मैंने लिए 1/2 किलो आलू जिसको मैंने उबाल कर छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। इसको हमने ग्रेट कर लिया है, अब हम इसमें सभी वेजीज को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैं लिया 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कुछ मसाले नहीं खाते हैं तो आप उन्हें भी स्किप कर सकते हैं। और यहाँ प्याज भी ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसमें 1/3 कप मैदा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सूजी आलू टिक्के की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी, आप वहां जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने यहाँ 1 बाउल में लिया है 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा, ये वही मक्के का आटा आएगा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक रनी सी स्लरी तैयार कर लेंगे। रोल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है ब्रेड क्रम्ब और मोज़रेला चीज़ लिए ग्रेट की हुई। अब हम अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हाथों में थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे, उसको फैलाएंगे और उसके बीच में हम थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ को कवर करते हुए, इसको फोल्ड करते हुए इसका रोल तैयार कर लेंगे। आप जो रोल की शेप है वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कैसी भी दे सकते हैं। यहाँ मैं इसमें लंबी शेप दे रही हूँ, सिलेंडर जैसी। रोल बन गया है, अब हम इस रोल को स्लरी में डालेंगे और स्लरी में इसको डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम में डालेंगे और दूसरे हाथ से हम इसको ब्रेड क्रम में लपेट लेंगे और इसको हम इतना इसी में छोड़ देंगे इतना हम दूसरा ब्रेड रोल तैयार करते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा ब्रेड रोल तैयार कर लेंगे। अगर हम ब्रेड रोल को ब्रेड क्रम में छोड़ देंगे तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, इससे ये और भी क्रिस्पी बनेगा। इसी तरीके से हम सभी रोल को तैयार कर लेंगे। यहाँ हमने रोल तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है और उसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें रोल को ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर एक साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, इतना हमें इसको टच नहीं करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच की हेल्प से इसमें ऊपर से ऑयल डालेंगे, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अगर आप एक्स्ट्रा क्रिस्पी खाना चाहते हो तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर कीजिए। ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे।
दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसी तरीके से हम सभी रोल को तैयार कर लेंगे। बनके तैयार है। आप इसको हरे धनिये की चटनी के साथ और केचप के साथ एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने रेस्टोरेंट वाली हरे धनिये की चटनी की रेसिपी आप सभी लोगों के साथ शेयर की है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और उसे देख कर आप रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी की रेसिपी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप ये रेसिपी कब बना रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।